हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो अपोलॉजी बाय माय साइड बिकॉज इट्स वेरी लेट मैं बहुत टाइम के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो दे रही हूँ बट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सो डेफिनेटली मैं कंप्लीट कराऊंगी आपका सिलेबस सो डोंट वरी सो हम लोग क्लास एलेवेंथ में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वॉज द लिविंग वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ड में हम लोग मेटाबॉलिज्म हमें डिस्कस करना था सो बैक टू द पॉइंट मेटाबॉलिज्म तो so, मेटाबॉलिज्म uh, की जब हम बात करते हैं तो बिफोर दैट हम लाइफ की बात करते हैं अगर आपको कोई पूछे कि लाइफ क्या है तो हम लाइफ में बोलते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस अब सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंसेस मतलब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे एंड कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे सिमिलरली मेटाबॉलिज्म भी है मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन करते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग सेल सो सम टोटल ऑफ़ ऑल द रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जो पॉजिटिव हो या जो नेगेटिव हो बट यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शंस नहीं होते हैं यहाँ पे होते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कंस्ट्रक्टिव मीन्स वो कुछ बिल्डअप करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं तो उनको हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना तो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं ये डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस दे यूटिलाइज द टेक अप योर एनर्जी आपकी एनर्जी को ब्रेक कर देते हैं सो so, इसीलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं सो so, मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की एक्टिविटीज़ या केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसको हम एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं एनाबॉलिज्म क्या है एनाबॉलिज्म होती है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होगा सो एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस को यूज करके यूटिलाइज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंथेसाइज किया जाता है इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है सिंपली प्लांट्स रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे कन मेक मेक कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट सो मीन्स सिंपल सब्सटेंस एक कॉम्पलेक्स सब्सटेंस को सिंथिसाइज करना एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई कोई चीज़ सिंथिस हुई एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो एनर्जी यूज करते हैं इस प्रोसेस में एंड किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंथिस होता है सेकेंड वोज द कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज़म को हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड पहले से ही सिंथेसाइज होकर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा कैटाबॉलिजम में उस कॉम्प्लेक्स फूड को या उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक किया जाएगा इनटू सिंपल फॉर्म सो दैट्स वाइज इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं लाइक like आपने एक बिल्डिंग बना ली है और अब उस बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हो ब्रेक कर रहे हो सो so वो डिस्ट्रक्शन ही हुआ सो कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं और जब भी हम कोई चीज ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन जब भी हम फूड डाइजेस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी सेल्स यूटिलाइज कर लेती हैं एंड सेम इन द रेस्पिरेशन सो इन दिस वे वी कैन से द मेटाबॉलिज्म इज टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस तो मैंने बोल दिया दैट केमिकल रिएक्शंस लिविंग सेल्स में होती हैं बट इन केमिकल रिएक्शंस की या इस मेटाबॉलिज्म की हमें ज़रूरत क्या होती है हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं एंड हमें एनर्जी को एक्वायर करना होता है और उस एनर्जी को यूज़ करना होता है बिकॉज़ हम ऑर्गेनिज्म हैं एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल है हमारी बॉडी में एंड अगर हमारी बॉडी में यूजेबल एनर्जी नहीं होगी तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी सारी सेल्स एंड अगर सेल डिसगेनाइज हो गई सो देर विल बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट मीन्स द मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है मेटाबॉलिज्म इज लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज यही आपकी सेल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है एंड तभी आपकी लाइफ पॉसिबल है एंड इसीलिए इसको हम लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडाप्टेसन अडाप्टेसन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं बेस्ट सूटेबल एनवायरनमेंट में सो so दैट वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें फॉर एंड ब्रीड कर सकें एंड फीड कर सकें मीन्स आपको फूड की जरूरत होती है एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं एंड ये एडजस्टमेंट्स इनहेरिटेबल्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सो एडाप्टेशन शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन होता है एज वेल एज लॉन्ग टर्म होता है जो लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन है वो परमानेंट एडाप्टशनस होते हैं शॉर्ट टर्म अडाप्टशंस लाइक एक पर्टिकुलर सीज़न में ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म अडाप्टशन कहते हैं टर्म हैंडाप्टेस में बेसिकली हाइबरनेशन एस्टिवेशन एंड माइग्रेशन आता है हाइबरनेशन का मतलब है विंटर स्लीप लाइक आपने लेजर्ट में देखा होगा विंटर में आपको एक भी लजर्ट नहीं दिखाई देती है विंटर में वो छिप जाते हैं एंड इसी को हम हाइबरनेशन कहते हैं एस्टिवेशन को हम समर स्लीप कहते हैं कुछ लेजर्ट्स हैं या कुछ रेप्टाइल्स हैं जो समर सीजन में अपने आप को हाइड करके रखते हैं टू मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं एंड माइग्रेशन फॉर शॉर्ट टर्म जब आपके एरिया का एन्वामेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आप दूसरे प्लेस पे चले जाओ फॉर अ शॉर्ट टर्म ओनली तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं लाइक like, आप में से बहुत से लोग क्लास में भी माइग्रेट करते हैं सपोज आपकी नेक्स्ट पीरियड किसी ऐसे टीचर की है जो आपको नहीं पढ़ना है तो आप या तो वॉशरूम चले जाते हैं या पानी पीने चले जाते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अपनी क्लास को छोड़ के जब क्लास आपके फेवर में नहीं है तो फेवरेबल नहीं है क्लास का इन्वायरमेंट तो आप अपनी क्लास छोड़ के वॉशरूम में जाके छिप जाते हैं सो तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए दूसरे प्लेस पे गए हैं तो इसको कहते हैं माइग्रेशन सो हाइबरनेशन एस्टिवेशन एंड माइग्रेशन शॉर्ट टर्म एडाप्टशनस हैं नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म अडाप्टन लॉन्ग टर्म अडाप्टन मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया है इट्स अ परमानेंट अडाप्टन सो ये लाइफ लॉन्ग होता है एंड ये अडाप्टे इनहेरिटेबल होते हैं एंड अगर ये इनहेरिटेबल है मीन्स ये इवोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होता है मीन्स इट इज़ इवोल्यूशनरी अडाप्टशन लाइक पोलर बियर पोलर बियर आइस कैप्स में रहते हैं ऐसे प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे आइस होती है दैट्स वाई उनमें फर होते हैं वाइट कलर के फर बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्किन ब्लैक नहीं होती है स्किन उनकी ब्लैक ही होती है बट वो वाइट कलर का फ़र इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और उनको उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है सो so, एडाप्टेशन में हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं एडजस्ट करते हैं बट हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी अपने आप को एडजस्ट करती है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम होम्योस्टास्स कहते हैं होम्योस्टैसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर बॉडी मेंटेनेंस मींस हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल हो और इम्पॉर्टेंट हो उसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं या इंटरनल अडाप्टशन तो so, होम्योस्टैसिस में या तो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं या तो सॉल्ट कंसंट्रेशन या आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं एंड कंसंट्रेशन या सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ऑस्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में थर्मो होता है लाइक like, आपका बॉडी टेम्परेचर या हम ह्यूमस का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है तो जब भी समर सीजन आता है हम स्वेट करते हैं सो so दैट जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा है वो एक्सटर्नल इन्वामेंट का अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर सकें और जब विंटर सीजन आता है तो हम शिवर करते हैं आप कांपने लगते हो जब आप शिवर करते हो तो रबिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ये हीट जनरेट करती है सो so दैट आपका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे बिकॉज आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती हैं तो उसको हम थर्मो कहते हैं प्लांट्स कैसे थर्मो रेगुलेट करते हैं वो कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड वो वाटर लॉस कर देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपेरेशन एंड जब ट्रांसपेरेशन होती है तो टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है सिक्स टाइम्स लोअर टेम्परेचर हो जाता है एंड ये हेल्प करता है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने पे और विंटर सीजन में यही स्टोमेटा क्लोज रहते हैं ये ओपन नहीं होते हैं अगेन उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हुए उन ऑर्गैनिज़म में सॉल्ट कंसंट्रेशन लाइक कभी अगर बारिश कम हुई है एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन या आयनिक कंसंट्रेशन वाटर में इंक्रीज़ हो रहा है सो so, वो उनकी बॉडी में भी इंटर करेगा एंड दैट टाइम उनके लिए ये बहुत नेसेसरी है टू रेगुलेट दैट सो बाय द ऑस्मो रेगुलेशन वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं एंड उनमें आयनिक बैलेंस मेनटेन रहता है सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अगेन ये भी एक लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी लाइफ डिफाइनिंग नहीं है बट ये एक लाइफ प्रोसेस है जो अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करती है या मेंटेन करती है सो so उसको हम इसीलिए लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं बट इसको लाइफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कभी भी नहीं माना जाता है सो so, रिप्रोडक्शन का मतलब है टू रिक्रिएट और रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही जैसे एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है एंड उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम वन पेरेंट रिप्रोडक्शन भी कहते हैं जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम टू पेरेंट रिप्रोडक्शन कहते हैं ये तो बहुत जनरल सी डेफिनेशन हो गई या तरीका हो गया ए सेक्चुअल एंड सेक्सुअल को समझने का बट एक्चुअल में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है एंड कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होता है इसीलिए उसको हम ए सेक्शुअल कहते हैं सेक्शुअल का मतलब होता है फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और जब फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व ना हो तो उसको हम ए सेक्शुअल कहते हैं और जब फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन्वॉल्व हो तो उसको हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज अगर आपको जानना है तो पहले ही क्लास ट्वेल्थ के रिप्रोडक्शन चैप्टर में ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है अगर आपको समझना है सो so आप क्लास ट्वेल्थ के वीडियोस को आप देख लीजिए बहुत डिटेल में है वो दैट विल हेल्प यू नेक्स्ट इज़ द रेस्परेशन रेस्परेशन अगेन लिविंग के कैरेक्टर्स्टिक हैं रेस्परेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग एंड सेलुलर गैसियस एक्सचेंज है हम पर्टिकुलर चैप्टर में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं द एबिलिटी ऑफ लिविंग टू रिस्पॉन्ड टू देयर टू द स्टिमुली इन द सराउंडिंग सो आपकी सराउंडिंग में जो स्टिमुली हो उसको अगर आप रिस्पॉन्स करते हो देन उसको हम कॉन्शियसनेस कहेंगे अब स्टिमुली क्या है स्टिमुली मीन्स चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट सो एनिमल्स में कॉन्शियसनेस हेल्प करती है उनको कंफर्टेबल प्लेस में या कॉम्फी प्लेसिस में मूव करने में बट यही कॉन्शियसनेस प्लान्स में कम देखने को मिलती है एनिमल्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आपको कोई भी चीज़ फेवरेबल नहीं दिख रही है या टेम्परेचर भी बाहर बहुत ज़्यादा है तो आप अपने रूम में मूव कर जाओगे बट प्लांट्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है कि टेम्परेचर बहुत हाई है प्लांट्स ने अपनी रूट बाहर निकाली और चले आए रूम में ए ऑन करके बैठ के सो so, मतलब कॉन्शियसनेस एनिमल्स में अपेयरेंट होती है एंड प्लांट्स में बहुत कम अपेरेंट होती है कॉन्शियसनेस हर एक टाइप के एनिमल में होगी फिर वो चाहे बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक की क्यों ना हो पर कोई गधा तो नहीं होता ना एनिमल लाइक वाटर में एनिमल्स प्रेजेंट है या अमीबा ही प्रेजेंट है उसको कैसे पता चलेगा ये मेरा फूड है और ये पर्टिकुलर थिंग मेरा एनिमी है उनको इतनी अवेयरनेस उनमें होती है कि वो अपना फूड और अपनी एनिमी को पहचान सकें एक नंबर के गधे नहीं हैं कि वो एनिमी को फूड समझ के खाने चले जाएं और फूड को एनिमी समझ के वहाँ से मूव कर जाएँ मीन्स हर एक एनिमल में कॉन्शियसनेस होती ही है एनिमल्स जो होते हैं हायर एनिमल्स इन में कॉन्शियसनेस के लिए रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में लाइक like हम एनिमल्स में फ़ोटो रिसेप्टर होता है हमारी आँखें हमारे में थर्मो रिसेप्टर होता है हमारे स्किन गस्टेटरी रिसेप्टर होता है और फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं ये सारा हम टेंथ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीज़ें सो मीन्स हमें कॉन्शियसनेस हमें अवेयरनेस होती ही होती है एनिमल्स में और अगर हम ह्यूमन बींग्स की स्पेशली बात करें सो हमारे में सेल्फ़ अवेयरनेस भी होती है अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है या सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स आप अपने आप को लेके बहुत अवेयर होते हो आप जब मिरर देखते हो तो आपको पता है कि आप ही हो बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि अगर वो मिरर देखेंगे तो उनको ये नहीं पता चलता है कि यही हैं लाइक like, मेरे साथ एक इंसिडेंट होता है मेरी बालकनी पे रोज़ कुछ बर्ड्स आती हैं और वो मिरर में अपनी ही इमेज देख के उससे लड़ती हैं पूरे टाइम बिकॉज उनको मालूम नहीं है ये वो खुद ही हैं जिससे वो रोज़ फाइट करने आती हैं आप में ये सेल्फ़ अवेयरनेस है ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है ये ह्यूमन्स डॉल्फिन एंड कुछ अदर एनिमल्स में पाई जाती है सारे एनिमल्स में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है अब कॉन्शियसनेस प्लांट्स में क्या है प्लांट्स में कॉन्शियसनेस आपको टेम्परेचर ग्रेविटी एंड सन लाइट के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है एज यच ऑल्सो या लाइक यू हैव नोटिस स्टेम हमेशा सन लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करती है बिकॉज सन लाइट नेसेसरी होता है फॉर द फोटोसिंथसिस एंड जो रूट होती है वो हमेशा ग्रो करती है टूवर्ड द्रेविटी इनसाइड द सॉयल बिकॉज उनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है एंड दैट्स वाय दे शो दिस टाइप ऑफ मोमेंट एंड एज पर द टच यू हैव सीन मिमोसा पोटिका जब भी आप मिमोसा पुटिका या टच में नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं इमिडिएटली ये लीव्स फोल्ड हो जाती हैं मीन्स ये आपको रिस्पॉन्सिवनेस या कॉन्शियसनेस शो करती हैं कॉन्शियसनेस आपको एवरी लिविंग में दिखेगा एक्सेप्ट द ब्रेन डेड और द कोमा पेशेंट कोमा पेशेंट में कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं होती है हमारी कंट्री में अभी भी ब्रेन डेड या कोमा पेशेंट को डेड नहीं माना जाता है सो so, यही एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती है कहते हैं लाइफ का कोई फैक्ट होना हो एक ही फैक्ट है दैट इज डेथ सो हमारा लास्ट टॉपिक है डेथ सो डेथ होती क्या है जब हम एज्ड हो जाते हैं एडल्ट होते हैं देन हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लोज डाउन होती हैं एंड एजिंग स्टार्ट होती है और ये एजिंग हमको लीड करती है टुअर्ड्स द डेथ तो हम डेथ को डिफाइन सो डेथ इज़ द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन एंड डेटोरिएशन इन द फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चेंजेस हो स्लोज डाउन हो जाए एंड डिटोरिएट कर जाए सो so उसको हम कहते हैं डेथ एंड द स्टडी ऑफ़ डेथ इज कॉल थीनाटोलॉजी सो उसको थीनाटोलॉजी कहते हैं बट डेथ का बेनिफिट क्या है अगर किसी की डेथ हो रही है तो उससे बेनीफिट क्या हो रहा है डेथ नेसेसरी होती है इस अर्थ पर ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने के लिए और जब डेथ होती है तो न्यूट्रियन साइकिलिंग में भी हेल्प होती है कहते हैं ना मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे सो so, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी बॉडी जिन भी चीज़ों से मिलकर बनी है वो वापस से उन्हीं में रिलीज हो जाती है सो so, मीन्स ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करता है डेथ क्लिनिकल डेथ होती है एंड बायोलॉजिकल डेथ होती है क्लिनिकल डेथ जब आपका हार्ट फंक्शन करना स्टॉप कर देता है एंड आपकी प्यूपल डायलेट कर जाती है सो so, उसको हम क्लिनिकल डेथ कहते हैं एंड बायोलॉजिकल डेथ जब आपका ब्रेन फंक्शन करना स्टॉप कर देता है जब आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो आपके हार्ट तक मैसेज नहीं जाएगा और हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं करेगा एंड ब्लड पंप होता है तभी आपको ऑक्सीजन मिलती है या आपके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलती है इन दिस कंडीशन आपका कोई भी बॉडी पार्ट ऑक्सीजन नहीं पाएगा एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन आपके सारे बॉडी पार्ट्स डिसफंक्शन हो जाएंगे एंड देन आपकी बायोलॉजिकल डेथ होगी सो डेथ हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है जिनका बर्थ हुआ है उनकी डेथ होनी ही होनी है बट यहाँ एक एक्सेप्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलुलर हैं लाइक अमीबा पैरामेशियम इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है आज इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है दैट्स वाई हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम को इमोर्टल कहते हैं आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी